हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे फाइव के साथ में। एक दिन में आज हम ये चौथी वीडियो शूट कर रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मान के चलो 20 से 25 वीडियोस के अंदर सारी चीजें खत्म कर देंगे, टेंशन कतई नहीं लो। आज 1 अप्रैल है, आज से बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, बहुत सारा कंटेंट आपको देने वाले हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, सुबह से शाम तक, शाम से रात तक अंधाधुंध तरीके से कॉन्टेंट पे काम कर रहा हूं भाई, ठीक है। तो फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का जो डे फाइव है, आज देखते हैं भैया क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम आपको बता चुके हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि भैया कोई मेटल है, कोई धातु है, उसकी सरफेस है, सरफेस पे भैया प्रकाश पड़ेगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, उन इलेक्ट्रॉनों को फोटोइलेक्ट्रॉन कहेंगे। इस इफेक्ट को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे, ठीक है। तो इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देयर इज कन्वर्जन ऑफ, काहे का कन्वर्जन होता है, काहे का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो जो प्रकाश की एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि प्रकाश ही तो आ रहा है भाई। तो जो प्रकाश, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, करंट फ्लो होगा, सीधी सी बात है। तो लाइट एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है भाई, ठीक है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन, यानी जो प्रकाश के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, वो काहे पर डिपेंड करेगी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पर डिपेंड करेगी। आवृत्ति कितनी ज्यादा है, कितना तेज प्रकाश आ रहा है, सरल भाषा में कहते हैं, उस पर डिपेंड करेगी काइनेटिक एनर्जी, उतने ही तेज इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भाई, सीधी बात है। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तीव्रता पर डिपेंड नहीं करेगा। अब एक चीज याद रखना, कितना तेज आ रहे हैं और कितनी आवृत्ति से आ रहा है। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, आवृत्ति का मतलब होता है कि 1 सेकंड में आप कितना काम कर पा रहे हो। अब कारण, 1 सेकंड में हमने 10 चप्पलें मारी एक और बहुत तेज मारी, और 1 सेकंड में 10 चप्पलें मारी, दोनों में फर्क हो गया ना भाई। तो एक है इंटेंसिटी और एक है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉन, इंटेंसिटी पे नहीं भाई, ठीक है। द फोटो इलेक्ट्रॉन्स कम्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल हैव द वेलोसिटीज बिटवीन 0 एंड सम फाइनाइट वैल्यू, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं धातु की सतह से, मेटल की सरफेस से प्रकाश पड़ने में जो इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं उनकी जो वेलोसिटी होती है या तो 0 होगी और या फिर भैया कुछ निश्चित वैल्यू होगी, 2, 4, 10, 15 इलेक्ट्रॉनों की पता चल जाएगी भाई, ठीक है। द ग्राफ बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड कट ऑफ पोटेंशियल, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन निकलने बंद हो जाते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल कह लो, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कह लो, यानी निरोधी विभव कह लो, जो रोक देगा भैया करंट के फ्लो को, ठीक है, धारा के प्रवाह को बंद कर देगा। और इंसिडेंट लाइट मतलब आने वाली, टकराने वाला जो प्रकाश है, इनके बीच में अगर ग्राफ खींचे तो वो कैसा आएगा, तो स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन हमें प्राप्त होगी। विच इज यूज टू अंडरस्टैंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, किसका इस्तेमाल करा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए, तो ऑनली क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। क्वांटम मतलब भाई जो प्रकाश के लिए संबंध में किन्ने प्लांक ने बता रखा है कि छोटे छोटे पैकेटों, बंडलों के रूप में चलता है प्रकाश, फोटॉन या क्वांटा कहते हैं, इसी के आधार पर आइंस्टीन ने पूरा समझा दिया भाई, ठीक है। कॉम्पटन इफेक्ट किसमें होता है, तो केवल फ्री इलेक्ट्रॉनों में कॉम्पटन इफेक्ट होता है। कॉम्पटन इफेक्ट क्या प्रूव करता है कि भैया जो लाइट है, प्रकाश है, वो क्वांटम यानी बंडलों की फॉर्म में चलती है। मैक्सिमम क्वांटम कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, तो 2h/m0c होता है। एम जीरो क्या है, सभी को पता, रेस्ट मास है। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। एच क्या है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है भाई, ठीक है। पोलराइजेशन मतलब ध्रुवण जो है वो क्या दिखाता है, तो वेव नेचर ऑफ लाइट, ये जितने भी हैं ध्रुवण वगैरह हैं, पोलराइजेशन वगैरह हैं, ये सब दिखाते हैं लाइट के वेव नेचर को। ज्यादातर लोगों ने कहा कि वेव फॉर्म में, न्यूटन टाइप लोग अड़े रहे भैया कण है पार्टिकल है, वो वाला मामला। हु प्रपोज्ड मैटर वेव हाइपोथेसिस, वेव के संबंध में किसने परिकल्पना दी, तो डी ब्रॉगली ने दी थी कि भैया जो है लैम्डा बराबर h/mv होता है, तो डी ब्रॉगली ने दी मैटर वेव हाइपोथेसिस, ठीक है, जिसे इन डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल कह लो। इनने कही कि बहुत छोटा अगर पार्टिकल अंधाधुंध गति करेगा तो अपने पीछे वेव छोड़ता हुआ जाएगा, तरंग छोड़ता हुआ जाएगा, तो उसमें पार्टिकल के गुण भी होंगे, वेव के गुण भी होंगे, तो डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल शो करेगा भाई वो, ठीक है। विच एक्सपेरिमेंट शोज द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, तो डेविएशन और जर्मन ने एक्सपेरिमेंट करा था काहे के लिए कि इलेक्ट्रॉन, जैसे उन्होंने इलेक्ट्रॉन को लेके करा भाई, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में चल रहा है, मान लिया वेव फॉर्म में चल रहा, तो उन्होंने कहा जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं उनमें वेव नेचर भी पाया जाता है, कि अगर इलेक्ट्रॉन छोटा था कोई गति कर रहा अंधाधुंध तो अपने पीछे एक वेव छोड़ता हुआ जाएगा, दोनों, इसी को तो डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल कहते हैं भाई, ठीक है। जीपी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट क्या दिखाता है, यह भी वेव नेचर दिखाता है इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ मूविंग पार्टिकल के लिए क्या होती है, तो लैम्डा बराबर h/mv होती है। डी ब्रॉगली ने फार्मूला यही दिया था भाई कि लैम्डा बराबर h/mv होता है, या फिर m×b मोमेंटम है तो लैम्डा बराबर h/p होता है, दोनों में से जो विकल्प में हो वो लिख लेना भाई, ठीक है। कॉम्पटन इफेक्ट किससे रिलेटेड है, तो इसमें एक्स रेज का इस्तेमाल करते हैं भाई, सीधी सी बात है, कॉम्पटन इफेक्ट में एक्स रेज का इस्तेमाल करते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट इज डज नॉट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करता, तो
फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और नेचर ऑफ मटेरियल, कैसा मटेरियल है, कितनी आवृत्ति है, उस पर कॉम्पटन इफेक्ट का कोई लेना देना नहीं है भाई, ठीक है। अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक कोई पार्टिकल है जिसका द्रव्यमान m है, काइनेटिक एनर्जी e है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ तब कितनी होगी। तो अभी हमने आपको टेम्परेचर की फॉर्म में एक बताया था, शायद पिछले क्लास में बताया था कि अगर टेम्परेचर के लिए डी ब्रॉगली क्वेश्चन पूछे तब कैसे लिखोगे। अब यहाँ एनर्जी के लिए पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो लैम्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2 ME, ये सारे बनाए जा सकते हैं फॉर्मूले। यहाँ पे वही रख दो, ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी बच जाएगा, सीधे सीधे बच जाता भाई, ठीक है। इज कॉम्पटन इफेक्ट पॉसिबल एक्सपेरिमेंटली फॉर विजिबल लाइट, क्या जो दृश्य प्रकाश होता है उसके लिए कॉम्पटन इफेक्ट कर सकते नहीं कर सकते भैया, क्योंकि एक्स रेज के लिए करा गया भैया, ये विजिबल लाइट से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स ओनली इन, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो सिर्फ किसमें दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है बाउंड इलेक्ट्रॉन में, जो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर प्रकाश पड़ता है, वो निकल के आते हैं, इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं भाई, ठीक है। द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल ड्यू टू फोटॉन्स इज, यानी मेटल की सरफेस से फोटॉन्स के कारण, प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉनों का निकल के बाहर आना क्या कहलाता है, तो भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यही तो कहलाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव भाई, ठीक है। तो आज हम लोग डे 5 देख रहे हैं, लगातार आपको लाइन से 4 वीडियोस दिख रही है भैया, ठीक है। डे 2 भी अभी हमने शूट करा है, 3 भी करा है, 4 भी करा, 5 भी करा, सारे अभी आपको पब्लिक दिख जाएंगे लाइन से। डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्लेलिस्ट दे रहे हैं भैया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है डे 1 से देखना शुरू करो, 5 तक देख डालो, सारी चीज़ आपको समझ में आने लगेंगी। पेन लेके बैठो, 15 मिनट की अगर कोई वीडियो है भैया, जैसे ये वीडियो 10 मिनट के करीब होगी, तो उसे देखने में तुम्हें कम से कम 30 मिनट लगने चाहिए, 1 घंटा लगना चाहिए। एक एक चीज नोट करो, पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ो, अपने आप नोट्स बनाओ बैठ के। लेकिन फिर भी लगता कि नहीं सर जी पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री में ये पीडीएफ मिल जाएगी, BSC टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लेना, जैसे ही वीडियो पब्लिक होती है वैसे ही पीडीएफ भी डाल देते हैं भाई, तो कोई दिक्कत है नहीं। आप चाहते हो हम नहीं ढूंढ पाएंगे कुछ भी, एक जगह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक पड़ा हुआ है, ये सारा कंटेंट वहां पर भी मिल जाएगा, पुराना रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्टिव बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो, कहीं से पढ़ो बस मन लगा के पढ़ो। 15 तारीख को आपके पेपर है, तब तक क्रांति लिख देंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये सीरीज चलती रहेगी, साथ में पेपर है, बहुत सारी चीजें सॉल्व कराते रहेंगे, और आज तो सिर्फ 1 अप्रैल ही हुआ है, ठीक है। तो लगे रहिए, हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।